हम बात कर रहे हैं आलोक इंडस्ट्रीज़ की। आज के दिन की बात करें तो 2% के ऊपर की गिरावट के साथ स्टॉक ने हमको क्लोजिंग दिखाई है। लगातार गिरावट दिखाई स्टॉक ने 40 के लेवल से लो और लो पैटर्न हमको बताया है, और इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि यहाँ और गिरावट देखने के लिए मिल सकती है अगर स्टॉक अपने इस सपोर्ट को यानी 2680-27 के सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर जाता है तो और गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। हमने कहा था कि 24 तक का भी फॉल देखने के लिए मिल सकता है, 24 के लेवल से इसका खेल पलटते नज़र आ सकता है। लेकिन एक लेवल को हमने डिस्कस किया था जिसको ब्रेकआउट कर गया तो बड़ी तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है, ऐसा अपना डिस्कस इससे पहले वीडियो में हुआ था। उस लेवल को हम अगेन डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। स्टॉक ने बाउंस बैक किया था, बाउंस बैक के साथ 32 के लेवल से रिजेक्शन लेकर गिरावट दिखा रहा है। हमने डिस्कस किया था कि स्टॉक ने इससे पहले जिस लेवल से बड़ी बाइंग के बाद रिजेक्शन लेकर गिरावट दिखाई थी 34 का लेवल, इस लेवल को ब्रेकआउट करके ऊपर सस्टेन होना पड़ेगा और बड़ी तेज़ी के लिए, ऐसा हमने डिस्कस किया था। स्टॉक बाउंस बैक तो हुआ था लेकिन इस हाई को, इस लेवल को, 34 के लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पाया, अगेन सेलिंग देखने के लिए मिले। अब यहाँ से सेलिंग देखने के लिए मिले तो हो सकता है स्टॉक अपने इस लो को ब्रेक डाउन कर जाए, और इस लो का ब्रेक डाउन मतलब बड़ी गिरावट, फिर हमको 24 तक की भी गिरावट आलोक इंडस्ट्रीज़ में देखने के लिए मिल सकती है। इसीलिए अभी थोड़ा सा इंतज़ार करना ठीक रहेगा। अगर गिरावट आती है तो 24 के आसपास, और अगर जंप आकर स्टॉक 34 के लेवल को ब्रेकआउट करके सस्टेन हो जाता है तो वैसी कंडीशन में फिर मौका बन सकता है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। वीडियो जो एजुकेशन पर्पस के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है।